रिजिड बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक स्टेशनरी प्लेट है, उस पे फोर्स कितना लग रहा होगा। सो स्टेशनरी प्लेट का मतलब तो सिंगल प्लेट ही हो गया, ठीक है ना। स्टेशनरी प्लेट का मतलब तो सिंगल प्लेट है, तो आपको सिंगल प्लेट के फॉर्मूलाज में यू की वैल्यू जीरो रखनी है। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्टेशनरी प्लेट है, ठीक है, एक स्टेशनरी प्लेट है। ये आपके पास वही आपकी पॉजिटिव जेड और एक्स एक्सिस है, तो बेसिकली ये दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं, ठीक है ना। सो क्या होगा, नोजल से कुछ पानी बाहर आएगा, रो ए वी, मगर मेरे ख्याल से जितना पानी नोजल से बाहर आएगा सारा का सारा पानी जो है प्लेट से टकरा जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेट रेस्ट पे है। तो वैसे भी आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं मास स्ट्राइकिंग द प्लेट इन वन सेकेंड, वो आप लिखते हैं रो ए वी माइनस यू लिखते हैं, और यहाँ पे यू की वैल्यू जीरो ही है। क्यों? क्योंकि आपके पास स्टेशनरी प्लेट है, ठीक है। सो आपके पास क्या बन जाएगा, मास स्ट्राइकिंग द प्लेट आएगा रो ए वी, और इस तरीके से हम फोर्स ऑन प्लेट लिखते थे वो क्या लिखते थे, रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर लिखते थे, तो वो क्या बन जाएगा, रो ए वी स्क्वायर बन जाएगा। फोर्स ऑन प्लेट कितना आएगा, रो ए वी स्क्वायर। पावर ट्रांसमिशन कैसे लिखते थे, फोर्स ऑन प्लेट इनटू यू लिखते थे, तो वो बन जाएगा जीरो बन जाएगा, ठीक है। अब तो आसान है, अब आपको क्या करना है, रो की वैल्यू है 1000, ए की वैल्यू है पाई बाय 4 इनटू 0.05 का स्क्वायर इनटू वी स्क्वायर व्हिच इज 20 का स्क्वायर। तो आप इस तरीके से फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन है। अब क्या होता है, कई बार गेट के क्वेश्चन में आता है इस तरह का क्वेश्चन, वो क्या करते हैं, वो ना गेट के क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन दे देते हैं। क्या मॉडिफिकेशन दे देते हैं कि भैया देखो अभी क्या हो रहा है, जो हमारा वाटर जेट है वो प्लेट के साथ परपेंडिकुलरली कोलाइड कर रहा है, मगर वो कह देंगे कि प्लेट जो है किसी एंगल पे है। वो क्या कहेंगे, प्लेट जो है वो जेट की एक्सिस के साथ किसी एंगल पे है। सो हम इसमें एक मॉडिफिकेशन डालते हैं नोट की फॉर्म में, इसमें एक मॉडिफिकेशन डालेंगे हम नोट की फॉर्म में। वो मॉडिफिकेशन क्या कहती है कि प्लेट स्टेशनरी ले रहा हूं मैं, ठीक है, प्लेट को कैसे ले रहा हूं, स्टेशनरी ले रहा हूं, और वो प्लेट जो है इज इंक्लाइंड एट एन एंगल विद द एक्सिस ऑफ जेट, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल विद द एक्सिस ऑफ जेट, ठीक है। सो एक इसमें मॉडिफिकेशन ऐड कर रहे हैं। अब जरा देखिए क्या होगा, आपके पास एक नोजल है, ठीक है, उस नोजल से कुछ पानी बाहर आ रहा है, उस पानी के जेट का जो एरिया है a मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड। अब ये इस जेट की एक्सिस है, इस जेट की एक्सिस है, और आपकी जो प्लेट है, आपकी प्लेट इस तरह से इंक्लाइंड है, ठीक है जी। अब वो बोल रहे हैं कि प्लेट और जेट के बीच का जो एंगल है दैट इज अल्फा। अब वो आपको फोर्सेस निकाल के लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं काम करता हूं, मैं ये फोर्स निकालने के लिए दो डायरेक्शंस लेता हूं। एक तो लेता हूं नॉर्मल टू द प्लेट, ठीक है, और एक लेता हूं टेंजेंशियल टू द प्लेट। नॉर्मल टू द प्लेट और टेंजेंशियल टू द प्लेट, ठीक है। अब देखिए क्योंकि प्लेट रेस्ट पे है, तो एक सेकंड में जितना मास नोजल से बाहर आएगा वो सारा का सारा मास प्लेट पे टकरा जाएगा, यानी कि रो ए वी, प्लेट रेस्ट पे था तो वी माइनस यू जीरो ही होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, अब ये जो मास है, इस मास का बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा। सो मेरे ख्याल से इस मास की जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, उस वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेता हूं। सो अगर ये एंगल अल्फा है, सो मेरे ख्याल से ये एंगल भी अल्फा होगा और ये एंगल 90 माइनस अल्फा बन जाएगा, ठीक है ना। सो वेलोसिटी के एन के अलोंग, वेलोसिटी का एन के अलोंग एक कंपोनेंट आएगा वी कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, यानी कि वी साइन अल्फा, और एक प्लेट के यानी कि टी के अलोंग कंपोनेंट आएगा जो कि बन जाएगा वी कॉस अल्फा, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं।
अब जरा देखिए अब क्या होगा, आप इसका मोमेंटम लिख सकते हैं। सो इनिशियल मोमेंटम अगर मैं लिखूंगा इस मास का, सो मैं लिखूंगा इस मास की जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके दो कंपोनेंट्स थे, एक तो n के अलोंग, सो v sin अल्फा n कैप माइनस v cos अल्फा t कैप, है ना। n के अलोंग मैंने नॉर्मल वेक्टर लिया हुआ है, यूनिट वेक्टर लिया हुआ है n कैप, t के अलोंग यूनिट वेक्टर लिया हुआ है t कैप। अब जरा देखिए t कैप की डायरेक्शन देखिए और v cos अल्फा की डायरेक्शन देखिए तो ऑपोजिट है ना। सो मैंने इसलिए वहां नेगेटिव साइन लगा दिया। ये क्या है, m डॉट p का इनिशियल मोमेंटम है। अब जरा देखिए जब पानी का जेट प्लेट के परपेंडिकुलरली टकरा रहा था तो मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। मगर अब क्या, अब हमें कुछ पता नहीं है, अब हो सकता है कि टकराने के बाद कुछ मास इधर जा रहा हो m.1 और कुछ मास इधर जा रहा हो m.2, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। सो मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि m.1 जो है मोस्ट प्रोबेबली m.2 से ज्यादा होगा, तो इसको भी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। मगर एक चीज श्योर है, हमारी अजम्पशन क्या कहती है, किसी तरह का इंपैक्ट लॉस नहीं है, यानी कि टकराने से पहले जो रिलेटिव स्पीड होगी और टकराने के बाद जो रिलेटिव स्पीड होगी वो सेम होगी। सेम रिलेटिव स्पीड के साथ पानी का जो जेट है, पानी का जो मास है, वो सरफेस पे स्लाइड कर जाएगा। तो देखिए पहले रिलेटिव स्पीड कितनी थी, वी, क्योंकि प्लेट तो रेस्ट पे है टकराने से पहले, तो बाद में भी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, वी होगी। तो ये जो एम डॉट टू है ये v स्पीड के साथ प्लेट के पैरेलल मूव कर रहा होगा, m.1 जो है v स्पीड के साथ प्लेट के पैरेलल मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, अब मैं फाइनल मोमेंटम लिखता हूं, फाइनल मोमेंटम लिखता हूं, तो जब मैं फाइनल मोमेंटम लिखूंगा वो बन जाएगा m.1 v, ठीक है ना। इसको मैं लिखूंगा माइनस m.1 v, माइनस m.1 v t कैप। माइनस क्यों लिखा है मैंने, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि टी कैप की डायरेक्शन देखिए और एम डॉट वन की डायरेक्शन देखिए, प्लस एम डॉट टू वी कैप, वी टी कैप। इसको प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि एम डॉट टू पॉजिटिव टी डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। अब जरा देखिए, अब हम क्या करेंगे, फोर्सेस निकालेंगे, तो फोर्सेस ऑन प्लेट निकालना है, तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम कर दीजिए। सो आपके पास क्या आएगा, आपके पास फोर्स आएगी, मैं एपीआई माइनस पीएफ लिखूंगा, तो मेरे पास एक फोर्स तो ये आएगी, लेफ्ट साइड गाइस मैं रब कर देता हूं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। सो जब आप फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन प्लेट दैट इज मोमेंटम ऑफ द वाटर मास बिफोर कोलिजन माइनस मोमेंटम ऑफ दैट वाटर मास आफ्टर कोलिजन। सो ये बन जाएगा एम डॉट पी v sin alpha n cap minus m dot p v cos alpha t cap। ये तो initial momentum है, फिर minus final momentum करना है, so minus of minus, तो ये बन जाएगा plus m dot 1 v t cap minus m dot 2 v t cap, ठीक है। ये total change in momentum आ गया, इसमें n की terms इकट्ठा कर देता हूं, so m dot p v sin alpha n cap plus minus m dot p v cos alpha plus m dot 1 v minus m dot 2 v t cap, ठीक है ना। देखिए आप सेपरेट, आप चाहे तो कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे मर्जी आपका मन करे, ठीक है ना। मैं वो कंपोनेंट्स को, हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं ना, तो फोर्सेस के कंपोनेंट होंगे, तो मैं वो कंपोनेंट्स को कंबाइन करके वेक्टर में ही लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। मैं यहाँ बस डायरेक्टली वेक्टर लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। अब देखिए ये क्या है, ये फोर्स ऑन प्लेट है ना, सो ये क्या बन जाएगा, फोर्स ऑन प्लेट का एन कॉम्पोनेंट, नॉर्मल कॉम्पोनेंट, और ये क्या बन जाएगा, फोर्स ऑन प्लेट का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट। मगर भैया किसी सर्फेस पे जो टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट लगता है वो तो फ्रिक्शन फोर्स होती है, और अब यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि प्लेट स्मूथ है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। सो आपने क्या किया है, ये तो आ गया आपका नॉर्मल कंपोनेंट, ये आ गया आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट, ये आ गया आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट। मगर हमें पता है भैया हमारा सरफेस जो है स्मूथ है, ठीक है ना, तो जब सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स यानी कि टेंजेंशियल फोर्स जीरो बन जाएगी,
तो ये वैल्यू जीरो आएगी. इसका मतलब माइनस एम डॉट पी वी कॉस अल्फा इज इक्वल प्लस एम डॉट वन वी माइनस एम डॉट टू वी इज इक्वल टू जीरो है. ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स में v कॉमन है तो v कैंसिल आउट होगा. इसका मतलब m डॉट वन माइनस m डॉट टू इज इक्वल टू m डॉट p cos अल्फा आ गया. अब आप कहेंगे इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ क्योंकि मुझे पता था कि m डॉट p जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक m डॉट वन में और एक m डॉट टू में. इसका मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ m डॉट वन प्लस m डॉट टू इज इक्वल टू m डॉट p भी लिख सकता हूँ, है ना. देखिए अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, उन दो इक्वेशंस में दो अननोन हैं, एक है m.1 एक है m.2. सो मुझे पता लग जाएगा कि भैया जब प्लेट और जेट एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो तो फ्लूइड मास सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं होता. एक साइड पे मास ज्यादा जाता है, दूसरे साइड पे मास कम जाता है. सो वो जो m.1 आएगा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो बन जाएगा m.p * 1 + cos α / 2 और दूसरा बन जाएगा m.2 इक्वल टू m.p इनटू 1 माइनस cos अल्फा बाय 2. ठीक है ना. सो ये आपके पास प्लेट थी, इस तरह से m.p आ रहा था, टकराने के बाद m.1 इधर चला जाएगा, m.2 इधर चला जाएगा. ठीक है, सो आपने m.1 m.2 की वैल्यू लिख ली है और आपने फोर नॉर्मल फोर्स ऑन प्लेट भी लिख लिया है. वो कितना आ रहा है? m.p v sin अल्फा, m dot p v sin alpha. अब मेरे पास आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि आप घर पे करके देखें. तो एक्चुअल में इसमें जो मेथड रहेगा, मेथड यही रहेगा और साथ में जिस तरह से आप वो मोमेंट सॉल्व कर रहे थे ना हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सबमर्ज सरफेसेस में, वो मेथड यहां लगाना है. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए प्लीज, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फोटोज खींच लीजिए, यहाँ स्नैपशॉट ले लीजिए. आई होप मैं आज वेक्टर्स में लिख रहा हूँ, जनरली मैं आपके सामने वेक्टर्स में कभी नहीं लिखता, मैं कंपोनेंट्स को सेपरेटली सॉल्व करता हूँ, टेंसर्स को भी सेपरेटली सॉल्व करता हूँ, बट आज मुझे ध्यान नहीं रहा. सो गलती से मैंने वेक्टर में ही काम शुरू कर दिया था, तो मेरे को लगा बाद में मुझे ध्यान आया, मतलब पहले 5 मिनट निकल चुके थे यार, ये तो वेक्टर में लिख रहा हूँ. ठीक है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है. वेक्टर्स को आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते थे ना, एक्स की फोर्स अलग निकालते, वाई की फोर्स अलग निकालते, बात वही आती. अब एक काम करेंगे, नेक्स्ट केस में कंपोनेंट्स में सॉल्व करके देख लेंगे, जो कि आपको करना चाहिए आपकी इजी के लिए, इजी मेथड के लिए. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, एक और होमवर्क क्वेश्चन है इसे भी नोट कर लीजिए. इसके दो पार्ट है बेसिकली, ये पहला पार्ट है. एक और होमवर्क क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए या स्नैपशॉट या फिर आप स्निपिंग टूल यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स में. विंडोज में एक टूल होता है स्निपिंग टूल, उसे स्क्रीन पे कुछ भी चीज हो उसको काट के एक फोटो की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो ये जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसका एक और पार्ट भी आएगा. अच्छा सॉरी, इसका कोई पार्ट नहीं है, ये एज इट इज रहेगा. ये क्वेश्चन नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम लगेगा. ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गुड क्वेश्चन है, ये L3 लेवल क्वेश्चन है, बेसिकली गेट से एक लेवल ऊपर क्वेश्चन है ये. इसको भी नोट कर लीजिए, घर पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा. ओके, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सो बेसिकली वो क्या कहते हैं कि ये जो आप पावर जनरेट कर रहे हैं, आपके पास एक वाटर का जेट है. वाटर जेट कैसे मिलेगा? आपने पानी को स्टोर कर लिया डैम में, वहां पे एक पाइप है नीचे, उस पाइप के आगे नोजल मिला हुआ है, तो पानी का जो प्रेशर हेड है वो काइनेटिक हेड में यानी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो आपके पास पानी का एक जेट बाहर आ रहा है जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो अगर आप उस वेलोसिटी को चेंज करेंगे, पानी के जेट का मोमेंटम चेंज करेंगे, तो फोर्सेस जनरेट होंगे और फोर्सेस ऑन मूविंग बॉडी वो पावर जनरेट करेंगी, है ना. सो ये आइडिया है. अब उन्होंने बोला कि भैया इस पावर जनरेट को इंक्रीज कर सकते हैं कैसे, वो जो प्लेट है उसकी शेप को चेंज कर दो, उस प्लेट को एक कर्वेचर दे दो, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे किया है. सो जनरली कर्व्ड प्लेट्स को इनको हम वेन्स कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको? वेन्स कहते हैं. ठीक है, सो अब हमारे पास इंस्टेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट एक कर्व्ड प्लेट है. सो अगेन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. ठीक है, सो बेसिकली जो प्लेट है
वो x एक्सिस के अलोंग u की स्पीड से मूव करेगी। जो इनकमिंग जेट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है कैपिटल v, वो भी x एक्सिस के अलोंग है, और हम फिर से नेगेटिव y के अलोंग देखेंगे। किसके अलोंग देखेंगे? नेगेटिव y के अलोंग। तो ये मेरी व्यू एक्सिस बन जाएगी। सो जो मेरी व्यू एक्सिस है वो वर्टिकल है, तो मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखाई देगा। सो मैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा x है, ये z है, और ये ऊपर का सरफेस आपको दिखाई देगा ब्लेड का, ये आपको ब्लेड का वेन का ऊपर का सरफेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये आपके पास वाटर की जेट है जो कि वेन के सेंटर पे कोलाइड कर रही है। अब देखिए क्या होगा, हमारा जो वेन है वो u की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, u मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, और जो जेट है वो v मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है। सो ये आपकी प्लेट की स्पीड है, ये आपकी जेट की स्पीड है। अगर आप रिलेटिव मोशन की बात करेंगे तो रिलेटिव मोशन में क्या होगा, आपका प्लेट जो है वो रेस्ट पे होगा और जेट की जो स्पीड है वो v माइनस u होगी, ठीक है ना। अब हमारे लिए जो कोलिजन है वो इंपैक्ट फ्री है, किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं है। सो कोलिजन के बाद जेट जो है, पानी जो है, सेम स्पीड के साथ इस वेन पे ग्लाइड कर जाएगा। कितनी स्पीड के साथ? v माइनस u स्पीड के साथ, v माइनस u स्पीड के साथ। और क्योंकि पानी जो है वो सेंटर पे कोलाइड कर रहा है और वेन जो है इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो मेरा मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए आप मास कैसे लिखेंगे, मास स्ट्राइकिंग द प्लेट इन वन सेकेंड, वो आप क्या लिखेंगे, रो ए वी माइनस यू लिखेंगे, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें मोमेंटम चेंजेस लिखने हैं। सो आइए इस बार वेक्टर फॉर्म में ना करके कंपोनेंट्स लिखते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स लिख के देखते हैं। सो सबसे पहले मैं फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन लिखूंगा प्लेट पे, तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन प्लेट इन द एक्स डायरेक्शन। उसके लिए हमें चाहिए होगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ वाटर मास इन एक्स डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम ऑफ वाटर मास इन द एक्स डायरेक्शन। और ये जो मोमेंटम का डिफरेंसेस है ये हम रिलेटिव वेलोसिटीज की टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, इनिशियली पानी की वेलोसिटी कितनी थी x के लॉन्ग, v माइनस u। सो मोमेंटम कितना हो गया, m डॉट p इंटू v माइनस u। सो इनिशियल मोमेंटम क्या बन गया है, m डॉट p इंटू v माइनस u बन गया, ठीक है, माइनस। अब फाइनल मोमेंटम लिखेंगे। सो देखिए m डॉट p सेंटर पे टकरा रहा है और फिर उसके बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और टकराने के बाद जब ये पानी वेन से बाहर आएगा, तो वेन के रिस्पेक्ट में टेंजेंशियली बाहर आएगा। कैसे बाहर आएगा, टेंजेंशियली, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक एंगल डिफाइन करते हैं जिसको आप बोलते हैं वेन एंगल। कौन सा एंगल? वेन एंगल, ठीक है। सो बेसिकली ये सेंटर एक्सिस है, ये सेंटर एक्सिस है, और सेंटर एक्सिस के साथ ये वाली जो टेंजेंट एंगल बनाती है उसको आप वेन एंगल बोलते हैं। सो हमारे लिए वेन एंगल लिखा जाएगा, मान लीजिए अल्फा, बेटर है बीटा लिखें, इसको हम बीटा लिख लेते हैं, वेन एंगल को बीटा लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब जरा देखिए, ये आपके पास v माइनस यू है, और ये v माइनस यू जो है वो सेंट्रल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बीटा। सो बेसिकली ये वाला एंगल कितना है, बीटा। अब देखिए v माइनस यू का एक कंपोनेंट आएगा नेगेटिव के x के लॉन्ग, जो कि v बन जाएगा v माइनस यू कॉस बीटा, और एक कंपोनेंट आएगा नेगेटिव z के लॉन्ग, है ना। मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव z है तो ये नेगेटिव z है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। सो ये बन जाएगा v माइनस यू साइन बीटा, ठीक है। और ये मास कितना है, ये मास है m डॉट p बाय 2, ये मास है m डॉट p बाय 2। सो जो मास इस एज से बाहर आ रहा है उसकी मोमेंटम टर्म्स मैंने लिख ली हैं, ठीक है। उसी तरह यहां से भी कुछ मास बाहर आ रहा है ये नीचे वाले पॉइंट से, सो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v माइनस u, और ये एंगल कितना है, बीटा। सो वेलोसिटी कंपोनेंट कितना बन जाएगा, v माइनस u cos बीटा। उसी तरह वेलोसिटी कंपोनेंट कितना बन जाएगा, v माइनस u sin बीटा, x और z के अलोंग, ठीक है। अब देखिए ये दोनों टर्म्स फाइनल मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रही है ना, m डॉट p बाय 2, m डॉट p बाय 2, m डॉट p बाय 2, m डॉट p बाय 2,
ठीक है, दोनों टर्म्स फाइनल मोमेंटम रिप्रेजेंट करनी है, जो मास बाहर जा रहा है उसका मोमेंटम रिप्रेजेंट करनी है। अब जरा देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है मगर इसको नेगेटिव लिखा जाएगा, है ना, दोनों को नेगेटिव लिखा जाएगा। सो पी एफ एक्स कैसे लिखा जाएगा, ये भी नेगेटिव, सो माइनस एम डॉट पी बाय टू, माइनस एम डॉट पी बाय टू इंटू वी माइनस यू कॉस बीटा, और यहां से जो पानी बाहर आ रहा है उसका भी एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव लिखा जाएगा, माइनस एम डॉट पी बाय टू वी माइनस यू कॉस बीटा। तो इसमें माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और ये 1 बाय टू प्लस 1 बाय टू 1 बन जाएगा। सो आपके पास आएगा एम डॉट पी इंटू वी माइनस यू प्लस एम डॉट पी इंटू वी माइनस यू कॉस बीटा, ठीक है। अब इसमें एम डॉट पी वी माइनस यू, एम डॉट पी वी माइनस यू कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं, प्लीज थोड़ा सा रब कर देता हूं, ये क्या बन जाएगा एम डॉट पी इंटू वी माइनस यू इंटू वन प्लस कॉस बीटा बन जाएगा, ठीक है जी। सो ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास इस प्लेट पे फोर्स आ गई अलोंग दी एक्स डायरेक्शन, प्लेट पे फोर्स आ गई अलोंग दी एक्स डायरेक्शन। अब हम प्लेट पे फोर्स लिखेंगे, अलोंग दी वाई डायरेक्शन लिखेंगे। अब हम प्लेट पे फोर्स लिखते हैं अलोंग दी वाई डायरेक्शन, सॉरी जेड डायरेक्शन। अब देखिए, रिलेटिव मोशन में ही बात कर रहे हैं, सो इनिशियली बिफोर कोलिजन वाई जेड के अलोंग कोई मोशन नहीं है, सो इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई कितना हो गया, जीरो। मगर बाद में आफ्टर कोलिजन जो मास यहां से बाहर जा रहा है उसका एक मोमेंटम होगा, कितना, एम डॉट पी बाय टू इंटू वी साइन बीटा। उसी तरह इधर से भी जो मास बाहर जा रहा है उसका भी मोमेंटम होगा, एम डॉट पी बाय टू साइन बीटा। मगर अगर ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो इसको आप लिखेंगे पॉजिटिव और इसको आप लिखेंगे नेगेटिव, ठीक है जी। अब आप लिखेंगे फोर्स ऑन प्लेट इन वाई डायरेक्शन, दैट विल बी मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, सॉरी जेड डायरेक्शन, फोर्स ऑन प्लेट इन जेड डायरेक्शन, दैट विल बी इनिशियल मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन। सो इनिशियल मोमेंटम इन जेड, इनिशियल मोमेंटम इन जेड तो जीरो है, ठीक है, सॉरी यहां मैंने वाई लिख दिया, इनिशियल मोमेंटम इन जेड तो जीरो है माइनस फाइनल मोमेंटम। अब ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, दोनों को एड कर देते हैं, एम डॉट पी बाय टू साइन वी साइन बीटा माइनस एम डॉट पी बाय टू वी साइन बीटा, जो कि जीरो ही बन गया है, है ना। सो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जीरो। सो जेड डायरेक्शन में किसी तरह की फोर्स नहीं है, जेड डायरेक्शन में किसी तरह की फोर्स नहीं है, तो एक ही फोर्स लग रही है जो कि एक्स डायरेक्शन में लग रही है। अब जरा देखिए इन फोर्सेस को नोट कर लीजिए, मैं रब करूंगा फिर से, सो मैं रब कर देता हूं गाइस। अब देखिए प्लेट की एक वेलोसिटी आ गई है एक्स डायरेक्शन में, सॉरी फोर्स आ गई है प्लेट पे एक्स डायरेक्शन में, कितनी फोर्स आई है, रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉस बीटा। फोर प्लेट पे एक फोर्स आ गई है, कितनी आई है, रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉस बीटा। पहले फोर्स कितनी आई थी, पहले जो केसेस थे, जो फ्लैट प्लेट का केस था उसमें देखिए फोर्स कितनी आई थी, रो ए वी स्क्वायर वी माइनस यू होल स्क्वायर, है ना। और कर्व्ड प्लेट में फोर्स कितनी आ रही है, दिस इंटू वन प्लस कॉस बीटा। अब वन प्लस कॉस बीटा वन से बड़ा ही होगा, तो इस केस में फोर्स इंक्रीज हो गई है, क्यों, क्योंकि जेट का चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है, जेट का चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए कर्व्ड वेन्स में फ्लैट प्लेट्स के मुकाबले फोर्सेस ज्यादा आती हैं। अब आपकी जो वेन है, प्लेट है, उस पर एक फोर्स लग रही है और उसकी एक वेलोसिटी भी है एक्स डायरेक्शन में जो कि यू है, सो आप पावर ट्रांसमिट कितना कर रहे होंगे, रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉस बीटा, ठीक है, इंटू यू। एंड डेफिनेटली इफ U इज इक्वल टू वी बाय थ्री, सो आपके पास पावर जो है मैक्सिमम आएगा, ईटा जो है मैक्सिमम आएगा, ठीक है।
और आप ईटा का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ईटा का फॉर्मूला आप लिखेंगे पावर जनरेटेड दैट इज रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस बीटा इंटू यू और डिवाइडेड बाय हाफ रो ए वी क्यूब, ठीक है ना। सो ये फिर से बन जाएगा आपके पास 2 यू वी माइनस यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी क्यूब इंटू 1 प्लस कॉस बीटा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ये फ्लैट प्लेट जैसा ही है, बस मल्टीपल में एक 1 प्लस कॉस बीटा आ गया। मल्टीपल में क्या आ गया? 1 प्लस कॉस बीटा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये ईटा का फॉर्मूला आ गया, और ईटा मैक्सिमम कब होती है? जब यू की वैल्यू वी बाय 3 होती है। सो ईटा मैक्स कब आएगी? ईटा मैक्स कब आएगी? जब यू की वैल्यू वी बाय 3 होगी, और ये वैल्यू जो होती है दिस इज इक्वल टू 8/27 इंटू 1 प्लस कॉस बीटा, बिल्कुल फ्लैट प्लेट्स की तरह। बस 1 प्लस कॉस बीटा जो है एड अप हो जाएगा। अब जैसे फ्लैट प्लेट में, अब जैसे आपके पास फ्लैट प्लेट में सीरीज ऑफ वेन्स थे, सीरीज ऑफ प्लेट्स थी, वैसे ही कर्व्ड वेन्स में भी सीरीज ऑफ प्लेट्स आएंगी। तो सीरीज ऑफ प्लेट्स के केस में, सीरीज ऑफ वेन्स के केस में तरीका वही रहेगा, डिफरेंस इतना होगा जितना मास नोजल से बाहर आ रहा है एक सेकंड में, सारा का सारा मास जो है प्लेट के साथ टकरा जाएगा, दैट इज रो ए वी। तो अब जो आपके फॉर्मूले बढ़ेंगे प्रेशर फोर्स के, वो सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट्स की तरह, प्लेट पे जो फोर्स होगी वो सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट्स की तरह ही आएगी, बस 1 प्लस कॉस बीटा फैक्टर ऐड होगा। सो ये बन जाएगा रो ए वी इंटू वी माइनस यू 1 प्लस कॉस बीटा, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा 2 यू इंटू वी माइनस यू बाय वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस बीटा। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आएगी? जब यू की वैल्यू जो है वी बाय 2 के बराबर होगी, और दैट विल बी ईटा मैक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस बीटा। अब जरा देखिए, अगर बीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई, उस केस में आपका जो वेन होगा वो एग्जैक्टली स्फेरिकल होगा, हेमिस्फेरिकल होगा, और अगर वेन एग्जैक्टली हेमिस्फेरिकल होगा तो कॉस बीटा कितना बन जाएगा? 1, यानी कि ईटा मैक्स कितना आ जाएगा आपके पास? ईटा मैक्स आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/2 × 2 1 होता है, ठीक है। मगर ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है। ये केस पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि भैया आपके पास ये एक कर्व्ड प्लेट है, ठीक है, ये एक कर्व्ड प्लेट है, ये एक और कर्व्ड प्लेट है। सो क्या होगा जब ये पानी यहां से टकरा के बाहर आ रहा होगा, और ये हेमिस्फेरिकल है शेप में, तो ये पानी इधर पीछे टकराएगा। समझ रहे हैं आप? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। ये जो आपका कर्व्ड वेन है, यहाँ पानी टकरा के वापिस उल्टा भी जा रहा है, तो जो प्लेट ऊपर उठ रहा होगा उसके बैक सरफेस पे ये टकरा जाएगा, तो एक तरह से नेगेटिव टॉर्क जनरेट होगी, वो नेगेटिव टॉर्क जो है पावर जनरेशन को खत्म कर देगी। तो बीटा हम कभी भी 0 डिग्री नहीं रख सकते। अगर बीटा को 0 डिग्री रखेंगे तो पानी एक वेन को छोड़ेगा और अपकमिंग वेन के साथ टकरा जाएगा, ठीक है। सो बीटा को 0 डिग्री नहीं रख सकते, इसको कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाती है 5 से 15 डिग्री तक। सो आइए कर्व्ड वेन्स के क्वेश्चन करके देखते हैं। सो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है कर्व्ड वेन्स से रिलेटेड। ओके, सो मैं ट्राई करता हूं, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चलिए गाइस, फिर मैं ट्राई करता हूं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वो बोलते हैं अ जेट ऑफ वाटर 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर एंड मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अपॉन द सेंटर ऑफ अ सिमेट्रिकल वेन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक सिमेट्रिकल वेन है। दरअसल होता क्या है कि कुछ वेन्स के केस में आपने देखा ना, जब पानी सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है, आपने देखा होगा जब पानी सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है तो वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। सो कई बार क्या होता है कि इन दो टिप्स के जो टेंजेंट के एंगल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इन दोनों टिप्स के जो वेन एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और वेन एंगल्स डिफरेंट होंगे तो वो अनसिमेट्रिकल वेन बन जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे सिमेट्रिकल वेन दिया हुआ है, यानी कि दोनों टिप्स के जो टेंजेंट एंगल है वो सेम है,
वो बोल रहा है आफ्टर इम्पिंजमेंट द जेट गेट्स डिफ्लेक्टेड थ्रू 160 डिग्री बाय द वेट. ठीक है, सो आइए देखते हैं. मैं फिर से एक्स जेड प्लेन की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ. ठीक है, सो ये आपके पास एक कर्व्ड वेन है, ये आपके पास एक कर्व्ड वेन है, और यहाँ पे कर्व्ड वेन की स्पीड नहीं दी हुई. तो मेरे ख्याल से अगर कर्व्ड वेन की स्पीड नहीं दी हुई तो कर्व्ड वेन को इन्होंने रेस्ट पे माना है. ठीक है, कर्व्ड वेन को इन्होंने रेस्ट पे माना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास U की वैल्यू क्या आ गई है, जीरो आ गई है. अब जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं वो जेट जो है इस तरीके से टकराएगा. 15 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी एब्सोल्यूट, मगर क्योंकि वेन रेस्ट पे है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी कितनी होगी, 15 माइनस जीरो 15 ही होगी. ठीक है, अब क्या होगा, ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन थी, मगर टकराने के बाद ये पानी जो है ऐसे निकल जाएगा. टकराने के बाद पानी जो है ऐसे निकल जाएगा. सो अगर मैं ये टेंजेंट का एंगल बनाऊं, ये वाला जो एंगल होता है ये वेन एंगल होता है. ठीक है, और ये वेन एंगल दोनों तरफ सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिकल दिया हुआ है. अब देखिए ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन थी, ये न्यू डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है. वो कितना है, 160 डिग्री. कितना एंगल दिया हुआ है, 160 डिग्री, और 160 डिग्री प्लस बीटा वो तो 180 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना आ गया, 20 डिग्री. सो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको क्या दे रही है, ये आपको वेन एंगल बता रही है. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि थ्रस्ट निकालिए एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द वेन, एंड बाय द वे वेन की कोई स्पीड नहीं दे रखी थी तो मैंने मान लिया कि वेन रेस्ट पे है, क्योंकि विदाउट वेन की स्पीड आप वैल्यूज नहीं निकाल सकते. सो देखा जाए तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ लिखना चाहिए था कि वेन इज एट रेस्ट. So, अब आप क्या करेंगे, अब आप प्रेशर, अब आप फोर्स लिखेंगे, फोर्स ऑन द प्लेट जो कि बन जाती है रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस कॉस बीटा बन जाती है. अब जरा देखिए रो ए, सो रो की वैल्यू मैं ले लूंगा 1000. एरिया, एरिया कैसे लिखेंगे, पाई डी स्क्वायर बाय 4. डायमीटर देखिए 2.5 सेंटीमीटर मेंशन किया गया है, सो पाई बाय 4 इंटू 2.5 दैट इज 0.025 मीटर में, भैया मीटर में लिखना है, इंटू वी माइनस यू तो 15 माइनस 0 15 ही आ गया, होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री, तो ये आपको फोर्सेस मिल गई. ठीक है, इस फोर्स की जरा वैल्यू लिख लेते हैं, फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, 1000 इंटू शिफ्ट पाई डिवाइड बाय 4 इंटू 0.025 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री. तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 214 न्यूटन. ये वैल्यू कितनी आ रही है, 214 न्यूटन. ठीक है, सो थ्रस्ट कितना आएगा, 214 न्यूटन आएगा. अब वो बोल रहे हैं इफ एक्चुअल रिएक्शन ऑफ द वेन इज 195 न्यूटन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट द आउटलेट टू दैट ऑफ इनलेट. वो कह रहे हैं भैया अगर एक्चुअल में रिएक्शन 195 है, वो 214 नहीं है, सो रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट आउटलेट टू रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट इनलेट निकालिए. अब ये कहां से बात आ गई, दरअसल होता क्या है कि बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द वेन्स, हमने अभी तक फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया था, है ना, मगर होता क्या है कि बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द वेन्स जैसे जैसे पानी जो है स्लाइड करता है सरफेस पे, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है कम होती चली जाएगी. ठीक है ना, सो अगर इनकमिंग रिलेटिव वेलोसिटी वी आर 1 है तो आउटगोइंग रिलेटिव वेलोसिटी वी आर 2 होगी, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण. और हम एक टर्म डिफाइन करते हैं ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट, जो कि बराबर होता है वी आर 2 बाय वी आर 1 के. ये किसको डिनोट करता है, फ्रिक्शन को डिनोट करता है, और ये फैक्टर जो है यहां भी दिखाई देगा. ठीक है, प्रेशर फोर्स में भी के दिखाई देगा, और इस के की वैल्यू जो होती है 1 से कम होती है, क्योंकि वी आर 2 वी आर 1 से कम होगा, फ्रिक्शन के कारण वी आर 2 जो है वी आर 1 से कम होगा. ठीक है, सो अगर हम फ्रिक्शन को कंसिडर करें, तो फ्रिक्शन को जब कंसिडर किया जाएगा तो वैल्यू लिखी जाएगी रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस के कॉस बीटा. क्या लिखा जाएगा, के कॉस बीटा. अब उन्होंने बोला है कि एक्चुअल फोर्स जो है वो 195 न्यूटन है, सो मैं ये वैल्यूज लिख दूंगा, रो की वैल्यू 1000 इंटू पाई बाय 4 इंटू 0.025 का स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस के कॉस 20 डिग्री. बाकी सारी वैल्यूज तो मुझे पता ही थी, इससे मुझे के पता लग जाएगा,
यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए उन्होंने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट आउटलेट टू वेलोसिटी एट इनलेट पूछा है, के पूछा है आपसे, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, 4 × 195 / 1000 / π / 0.025² / 15² ओके। सो मेरे पास क्या आ रहा है, 1.766 = 1 + k cos 20° आ रहा है। सो अगर मैं 1 को दूसरी साइड ले आऊं तो बन जाएगा 0.766, फिर उसको 0.766 उसको cos 20 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा k। सो k की वैल्यू आ रही है 0.815, k की वैल्यू आ रही है 0.815, दिस इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट आउटलेट टू द वेलोसिटी एट इनलेट, ठीक है। और अभी भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी लिखना चाहिए, इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी है। हालांकि इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि प्लेट रेस्ट पे है तो रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज और रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटीज उनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सो ये आपके पास आंसर था फर्स्ट प्रॉब्लम का, ये आपके पास सेकेंड प्रॉब्लम है, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। So, ये एक क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, आप लोग इसको होमवर्क के तौर पे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको होमवर्क के तौर पे। अ जेट ऑफ वाटर 10 सेंटीमीटर डायमीटर एंड हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इंपेंजेस एट सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल वेन, तो हेमिस्फेरिकल वेन है सिंगल और उसका बीटा जो है 0° लिया हुआ है। वो बोल रहे हैं द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द वेन इज 5 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, फाइंड द फोर्स। सो डायरेक्ट फॉर्मूला। अब दूसरे केस में कह रहे हैं How this force would change if the jet impinges on series of vanes? तो पहले केस में सिंगल वेन है, दूसरे केस में सीरीज ऑफ वेन्स है। हालांकि सीरीज ऑफ वेन्स में बीटा 0° नहीं हो सकता प्रैक्टिकली, बट यहाँ पे आप उसी तरीके से सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने फोटो ले ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टाइप क्या कहती है, आइए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, दरअसल अभी तो आपका जो वेन है वो इस कर्व्ड वेन पे के सेंटर पे कोलाइड कर रहा था, सेंटर पे इंपिंज कर रहा था। अब दरअसल क्या होगा, जो पानी है वो एक साइड से एंटर करेगा और दूसरी साइड से बाहर चला जाएगा। अभी देख लेते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, आइए अभी चेक करते हैं। सो आप नेक्स्ट केस लिखेंगे, नेक्स्ट केस लिखेंगे दैट इज द जेट इंपिंजिस, the jet impinges tangentially at the tip of the vane. Jet impinges tangentially at the tip of the curved vane. आइए देखिए, so ये मैं आपको vane दिखा रहा था, है ना, ये curved vane दिखा रहा था आपको ऐसे, ठीक है। और पहले क्या हो रहा था, पहले जो पानी का जेट है वो सेंटर पे कोलाइड कर रहा था और फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब वो क्या कहना चाहते हैं, पानी एक साइड से टिप से एंटर करता है और इस तरह से ग्लाइड कर जाता है ऐसे, ठीक है ना। सो आइए फिर से हम वाई के अलोंग देखते हैं। सो बेसिकली ये आपके पास एक्स डायरेक्शन होगा, ये आपके पास वाई डायरेक्शन बनेगा और ये बन जाएगा जेड डायरेक्शन। सो मैं एक्स जेड प्लेन को देखूंगा। सो जब मैं एक्स जेड प्लेन को देखूंगा, ये टॉप व्यू दिखाई दे रहा है वेन का, ठीक है, और ये हमारे पास टेंजेंट है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है बेसिकली, ये आपके पास टेंजेंट है एट द इनलेट जो कि एंगल बना रही है अल्फा वन, और उसी तरह से आपके पास एक टेंजेंट है एट द आउटलेट जो एंगल बना रही है अल्फा सॉरी बीटा वन, आई एम सॉरी मैं क्या कर रहा था, उसको बीटा ले रहा था ना, वेन एंगल को बीटा वन और बीटा टू ले रहा था, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो जेट है पानी का वो इस तरीके से आ रहा है, इधर से एंटर कर रहा है और ग्लाइड करता हुआ इधर से बाहर जा रहा है, ठीक है। सो पहले तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये कर्व्ड वेन है स्टेशनरी कर्व्ड वेन है, कैसा वेन है, स्टेशनरी कर्व्ड वेन है, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे कि मूविंग वेन है। और मैं मान रहा हूं कि इस पे जो मास स्ट्राइक कर रहा है वो मुझे पता है ऑलरेडी एम डॉट पी। अब देखिए मुझे फिर से फोर्सेस निकालनी है ना,
सो क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं और जेड डायरेक्शन ले लेते हैं. सो ये एक्स डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है. सो देखिए अभी तो वेन रेस्ट पे है, तो जब वेन रेस्ट पे होगा सो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट बराबर है ना. सो v1 इक्वल टू vr1, उसी तरह v2 इक्वल टू vr2. v1 क्या है, इनकमिंग जेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी. vr1 क्या है, इनकमिंग जेट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेन. ओके, अब मैं टर्म्स एक्स्ट्रा कर रहा हूं, टर्म्स बढ़ा रहा हूं. तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा v1 इक्वल टू vr1. vr1 क्या बनेगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग जेट. और vr1 क्या बनेगा, इनकमिंग वेलोसिटी ऑफ, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग जेट, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेन. अगर वेन रेस्ट पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वेन की स्पीड, वेन की वेलोसिटी जीरो है. ठीक है, उसी तरह आपके पास v2 एंड vr2 आएगा आउटलेट पे. और ब्लेड कोफिशिएंट क्या बताता है, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट क्या बताता है, vr2 बाय vr1. जैसे जैसे पानी जो है ब्लेड पे स्लाइड करता है तो फ्रिक्शन के कारण रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है. वो k बताता है हमें, फ्रिक्शनल इफेक्ट्स बताता है हमें k. अब फोर्सेस निकालते हैं. अब यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जितना मास इधर से एंटर करेगा उतना ही मास इधर से बाहर भी चला जाएगा. ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, हम सारे वेलोसिटी कंपोनेंट्स लिखते हैं. सो ये देखिए इनकमिंग वेलोसिटी जो है v1 वो β1 एंगल पे है ना. सो इसका एक कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट्स को मैं काम करता हूं रेड से डिनोट करता हूं. सो इसका एक कंपोनेंट आएगा v1 cos β1 जो कि पॉजिटिव x के अलोंग है, और एक कंपोनेंट आएगा v1 sin β1, ये पॉजिटिव z के अलोंग है. उसी तरह आउटगोइंग पे ये वेलोसिटी है मेरी v, ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं v2. इसका एक कंपोनेंट आएगा नेगेटिव x के अलोंग जो कि बन जाएगा v2 sin β2, और एक कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव z के अलोंग जो कि बन जाएगा, सॉरी x वाला तो v2 cos β2 आएगा और z वाला आएगा v2 sin β2. ठीक है, सो मुझे इनकमिंग मास की वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y. तो मुझे इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम पता है. ठीक है ना, सो मैं इनिशियल मोमेंटम लिखता हूं. तो पहले मैं fpx लिखूंगा, फोर्स अलोंग x ऑन द वेन. सो ये क्या बन जाएगा, इनिशियल मोमेंटम अलोंग x माइनस फाइनल मोमेंटम अलोंग x. प्लीज नोट कीजिए, मोमेंटम लिख रहे हैं हम पानी का, मगर फोर्स लिख रहे हैं हम प्लेट पे, तभी यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल है. अदरवाइज कोई सोचेगा अरे भैया चेंज इन मोमेंटम तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, अगर चेंज इन मोमेंटम देता है फोर्स. तो अगर आप पानी का चेंज इन मोमेंटम देख रहे हैं तो आपको पानी पे फोर्स मिलेगी, मगर आपको प्लेट पे फोर्स चाहिए. ठीक है, तो नेगेटिव लिखा हुआ है. अब इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स, तो देखिए इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स इतना है, यानी कि एम डॉट वी वन कॉस बीटा वन. ठीक है, अब फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स, जितना मास एंटर करेगा उतना मास बाहर भी जाएगा, मगर ये नेगेटिव एक्स के अलोंग है तो इसको मैं माइनस लिखूंगा. So minus of minus m dot minus of minus m dot v2 cos beta 2. ठीक है ना, so यहां पे क्या आएगा, m dot v1 cos beta 1 plus v2 cos beta 2. ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे v1 और vr1 बराबर हैं, ठीक है, एक्चुअल में तो यहाँ पे यही आना चाहिए था, vr1 और vr2 आना चाहिए था, मगर उसको मैंने v1 v2 लिख लिया है. सो v1 v2 है ना, फोर्सेस को आप रिलेटिव मोशन की टर्म में भी लिख सकते हैं. अब जरा देखिए यहाँ पे v1 और v2, सो vr1 vr2, मगर vr2 को लिखा जा सकता है kvr1, दैट इज kv1.
सो ये बन जाएगा एम डॉट वी वन इंटू वन प्लस के कॉस बीटा वन, ठीक है। एफ पी एक्स की वैल्यू आ गई और उसी तरह एफ पी वाई की वैल्यू लिखेंगे, एफ पी वाई की वैल्यू लिखेंगे पी आई एफ पी जेड की, सॉरी आई एम सॉरी, पी आई जेड माइनस पी एफ जेड। तो ये देखिए ये इनिशियल मोमेंटम अलोंग जेड है, सो इसको क्या बोलेंगे आप, एम डॉट वी वन सॉरी कॉस बीटा वन प्लस के कॉस बीटा टू। बीटा वन बीटा टू बराबर हुए तो कॉस बीटा बाहर आ जाएगा। सो उसी तरह एम डॉट वी वन साइन बीटा वन प्लस वी टू माइनस, सॉरी यहां पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस वी टू साइन बीटा टू। अगेन आप वी टू को के वी वन लिख सकते हैं, सो ये बन जाएगा एम डॉट वी वन साइन बीटा वन माइनस के साइन बीटा टू। तो अगर साइन बीटा वन और बीटा टू बराबर है तो साइन बीटा वन साइन बीटा टू इक्वल हो जाएगा और कॉमन आ जाएगा। सो इस तरह से आप लिख सकते हैं फोर्सेस फॉर अ कर्व्ड वेन, अगर जेट जो है वो कर्व्ड वेन पे टेंजेंशियली एंटर कर रहा है, ठीक है, सेंटर पे नहीं स्ट्राइक कर रहा, टेंजेंशियली एंटर कर रहा है। मगर इंपॉर्टेंट केस कौन सा है, इंपॉर्टेंट केस दरअसल इसका मूविंग केस है जो कि एक्चुअल में दिखाई भी देता है, ठीक है। आइए इसका मूविंग केस देखते हैं और यहां से आपको वेलोसिटी ट्रायंगल्स पता लगेंगे जो कि हाइड्रोलिक मशीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेलोसिटी ट्रायंगल्स। तो चलिए गाइस थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इस चीज की, इस केस की, बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे, ठीक है। सो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वेलोसिटी ट्रायंगल चेक करना है हमें, जेट इंपिंजिंग टेंजेंशियली ऑन अ मूविंग कर्व्ड वेन्स, ऑन मूविंग कर्व्ड वेन्स। अभी आपने देखा था स्टेशनरी वेन देखा था, मगर यहाँ पे वही वेन जो है मूविंग भी है, ठीक है। सो एक्चुअल में इसमें दो केसेस बनते हैं, एक बनता है एक्सियल फ्लो का और दूसरा बनता है रेडियल फ्लो का, ठीक है। दरअसल दो तरह की टर्बाइन्स आएंगी, इनफैक्ट तीन तरह की टर्बाइन्स होती हैं, जैसे पेल्टन टर्बाइन जो है वो टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन है। कहने का मतलब जो जेट पानी की जो मोशन की डायरेक्शन है, जेट की जो मोशन की डायरेक्शन है दैट इज टेंजेंशियल टू द डिस्क। मगर एक्सियल फ्लो भी हो सकता है, रेडियल फ्लो भी हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। सो मैं काम करता हूं, मैं एग्जांपल ड्रॉ करता हूं, बेसिक सा आइडिया बनाता हूं, टर्बाइन्स का नाम नहीं लेता, बस यहां पे डायग्राम फिगर सा बनाता हूं, बेसिक फिगर बनाता हूं। जैसे से फॉर एग्जांपल ये आपके पास डिस्क है, ठीक है। सो 3D में मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्क ऐसे दिखाई देगा, ये आपको 3D में डिस्क दिखाई देगा और यहाँ पे इस पे ऐसे एक वेन लगा हुआ है, ऐसे एक वेन लगा हुआ है, ठीक है। अब जरा देखिए एक्सियल फ्लो का मतलब क्या है कि भैया जब पानी टेंजेंशियली एंटर करेगा और टेंजेंशियली बाहर जाएगा, इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ऐसे और ऐसे, राइट, है ना। अब जरा देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो डिस्क के टेंजेंट के अलोंग है ना, मगर ये जो कंपोनेंट है ये मेरे ख्याल से शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल फ्लो मशीन्स। इनको क्या बोलते हैं, एक्सियल फ्लो मशीन्स, जहां पे फ्लूइड मोशन का एक कंपोनेंट शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। उसी तरह अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे जो आपके ब्लेड्स लगे हुए हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट शेप में, अब ठीक है ना, देखिए कर्वेचर कैसा बनाया मैंने, यहाँ पे कर्वेचर कैसा बनाया था और वहां पे कर्वेचर कैसा बनाया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेन्स जो है वो टेंजेंशियली एंटर कर रहे हैं और टेंजेंशियली ही बाहर जा रहे हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी का एक कॉम्पोनेंट ऐसे आएगा रेडियस के अलोंग और एक टेंजेंट के अलोंग, उसी तरह एक कॉम्पोनेंट रेडियस के अलोंग एक टेंजेंट के अलोंग। सो ऐसी मशीन्स को आप रेडियल फ्लो बोलेंगे, जहां पे फ्लूइड मोशन का एक कंपोनेंट रेडियस के अलोंग भी है। तो यहां दो तरह के वेन्स आएंगे, एक आएंगे एक्सियल वेन्स और एक आएंगे रेडियल वेन्स। अब मैं यहां पे आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, देखिए होता क्या है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है,
जब फ्लूइड इनलेट पे एंटर करता है तो इस पॉइंट की बात कीजिए, पॉइंट ऑन प्लेट की बात कीजिए। सो पॉइंट ऑन प्लेट, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है आर वन, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी आएगी यू वन इक्वल टू ओमेगा आर वन। और इस पॉइंट की बात कीजिए जहां से पानी जो है बाहर जा रहा है, ठीक है, सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आर टू, तो स्पीड कितनी आएगी ओमेगा आर टू। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं जहां पे फ्लूइड कॉन्टैक्ट बना रहा है, उन पॉइंट्स की वेलोसिटी डिफरेंट है ना। सो इस केस में क्या होगा, अगर आप फोर्सेस निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, आपके आंसर करेक्ट नहीं आएंगे। सो आप कोशिश कीजिए, आप जो फोर्सेस निकाल रहे हैं वो एब्सोल्यूट मोशन की टर्म में निकालिए। किसकी टर्म में निकालिए, एब्सोल्यूट मोशन की टर्म में निकालिए, ठीक है। सो गाइस एक काम करते हैं, एक्चुअल में इसमें टाइम लगेगा, इस चीज को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, और मेरे ख्याल से आज का टाइम ऑलमोस्ट अप हो चुका है, तो आज के लिए ब्रेक लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आज। सो आज के लिए हम खत्म करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। सो इसको हम नेक्स्ट टाइम ही कंटिन्यू करेंगे। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सियल और रेडियल फ्लो को सॉल्व करके देख लेंगे फटाफट, और फिर जो है हम टर्बाइन्स की बात करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।